Hello, Rashid. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, how are you? Shalikam. So, we are meeting home today. <laughs> so, uh, without further ado, sir, Shuru Perez, sir. Ah, please go ahead if everybody is here. So, Ula Mustafa has come from Hyderabad. From where? He said, from Hyderabad. Uh, is Is sitting in Hyderabad his his new palatial office. Achha, is new office. office huh? ah. it fully functional functional now? Uh... sir. <laughs> okay. so, uh, रहीम uh, बहुत बहुत शुक्रिया uh, LSO के तमाम मेबरान का इधर uh, NRSP के दफ्तर में आने का uh, मेरा नाम राशिद बाजवा है मैं uh, सरबरा हूँ एन आर का और हमारे साथ आज बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे चेयरमैन और हमारे साथ शेर सुल्तान साहब तशरीफ रख हैं हाँ तो देख तो आ, ये सर हमारा जो एलएसओ डायलॉग है आ, सेमिनार उसकी एक सीरीज है उसमें ये इस दफा हमने हैदराबाद रीजन को सिलेक्ट किया है तो मुस्तफ़ा से मैं ये दरख्वास्त इंट्रोड्यूस करें, को और फिर शुरू करें. You, सर। सर सर। सबसे पहले तो सर आपकी बड़ी नवाजश की आपने टाइम निकाला सर एलएसओ के साथ और हमारी रान भाई के लिए तो आज ये सर जो एलएसओ है ये हमारी खान डिस्ट्रिक्ट की तहसील है बुलड़ी शाह करीब उसकी एल एसो सठियो उसके मेंबरान हैं जो आज आए हुए हैं ये हमारी रीजनल ऑफिस में ही क्योंकि टंडो मोहम्मद खान करीब है कोई पैंतालीस मिनट की ड्राइव है तो इधर ही हमने उनका रखा था जो है वो डायलॉग रखा था सर आपके साथ तो और हमारे मीटिंग हॉल में बैठे हुए उधर हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर सर जदील खोखर साहब अब सर मैं उनको गुजारिश करूंगा कि वो जो है ना इसके कार्रवाई को सर आगे बढ़ाए शुक्रिया अदा करते हैं और बिसमान अस्सलाम असल मेरा नाम जलीलुल्लाह खोखर है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ एनआरएसपी आर एस खान में और मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया है हमें हमारी एल से बात करने के लिए क्योंकि हमें थोड़ा इसके आज ये पता चल जाएगा कि हमारी एल एस कहाँ तक है और कहाँ तक हमें काम करना है तो ये रिव्यू हो जाएगा ये हमारी शाह करीम की तहसील की एसो है भरद नो सठियो जिसमें जनरल बॉडी के लोग हैं और कुछ हमारे सीआरपी जो है वो हैं जो आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको तो एल की जो जिस तरीके से कार्रवाई चलती है तो उस हवाले से हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा एल की जो हमारी सदर है उसको कि वो अपने तरीके से जो एल की जैसे मीटिंग होती है उस तरीके से वो अपनी कार्रवाई शुरू करेगी तो सब लोगों की बड़ी मेहरबानी और मेरा नाम अलावा चाहिए मैं एलिस जिला खान की सदर हूँ मैं अपनी पूरी एलिस की तरफ से चेयरमीन शोब सुल्तान साहब और बाकी मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ और नहायती शुक्रगुजार हूँ को उन्होंने हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाला अब मैं गुजारिश करती हूँ अदीफ अलजाना को कुरान शरीफ की तलावत से मीटिंग का आगाज़ करें أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله الميرबानी جزاك الله او میں گزارش کرتی ہوں چیئرمین صاحب باقی مہمانوں کو وہ اپنا تعارف

मैं एल एसो भले की जनरल सेक्रेटरी हूँ और लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सठियो सपोर्टेशन भलेम खान से मैं आई हूँ मैं अपनी एल एसओसो के, बार, के बारे में यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि तंजीमात बनने से पहले दरपेष मसाइल की दर्जा बंदी नहीं थी जब हमारी सी ई ओज वी ओज और एल एस ओ बनने से पहले हमारे यूसी के घरानों का हमें पता नहीं था कि कौन कौन से गरीब घराने हैं और औरतों में इतना शऊर नहीं था हम औरतें यही समझती थी कि हम अपने घर के काम करती हैं और यही हमारे लिए काफ़ी है और हमारा कल्चर हमारा माशरा भी हमें इजाज़त नहीं देता था औरतों का फैसला साजी में कोई किरदार नहीं था ना होने के बराबर था और गांव के लोग इस तरह तंजीम की सूरत में मुनम नहीं थे जैसे कि हम आज हैं आज मुनम हैं हमारे सी ओज़ और एल बनी हुई है पहले इस तरह हमें मौका नहीं मिल मिलते थे हम अक्सर शादी ब्याह के मौकों में आपस में मिलते थे या किसी अपने के अपनेगी में मिलते थे फिर मिलते थे लेकिन ऐसा हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसे हम मिलजुल के, बैठ के और अपना फैसला साजी करें और गरीब लोगों के वसाइल तक रसाई ना होने के बराबर थी हमारे पास इदारे मौजूद थे लोगों के जो मसाइल थे उनका हल तो था लेकिन उनको हल करने के लिए हमारे पास तरीके कार नहीं था हकूमत से कारी ना होने के बराबर थी सेहत की सहूलियात में कमी थी घराने की सतह पे मनसूबा साजी नहीं थे जिससे गुर्बत में कमी आ सके यानी घराने के लोगों का घर का कोई मनसूबा नहीं बना हुआ था और लोगों को अपनी छुपी हुई सलाहियतों पर एतबार नहीं था उनके दिलों में ये डर था कि क्या हम कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे लोगों को गुर्बत से निकलने का तरीके कार मालूम नहीं था अब मैं आपको अपनी यूनियन काउंसिल भले नुसो की बुनियादी मालूमात बताऊंगी हमारी यूनियन काउंसल का नाम है भले डू सठ्यो तहसील हमारी है बुलड़ी शाह करीम जिला टंडो मोहम्मद खान है हमारी यूनियन काउंसल में कुल मौजूद हैं हमारी दे जादो लगारी दे जलाली दे कुंभ और दे लद्दा है और हमारी यूनियन काउंसल में कुल घराने इक्कीस सौ बहत्तर हैं जो कि हमें 2016 के पहले की सर्वे में निकले और हमारे यूनियन काउंसिल की कुल आबादी पंद्रह हजार दो सौ चार है और हमारे यूनियन काउंसिल में बुनियादी सेहत मरकज एक है डिस्पेंसरी एक है और मिडल स्कूल एक है हमारी यूनियन काउंसिल में प्राइमरी स्कूल बाईस है और जरा मुआश जरात माल मवेशी कारोबार मजदूरी और और मुलाजमत करते हैं हमारे यूनियन काउंसल के लोग और हमारे यूनियन काउंसिल में जो फसलें होती हैं उसमें कपास चावल गंदम सरसों टमाटर और गन्ना की फसलें होती है और जरा आबपाशी जो है पानी का निकास जो ट्यूबवेल है और हमारे यूनियन काउंसल में नेहरी पानी है अब मैं आपको हमारी लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन भले नठियों के प्रोफाइल बताऊंगी हमारी एल का नाम भले नुसठियो है क्योंकि इसलिए हमने अपनी एल का नाम भले नठियो रखा के हमारा गवर्नमेंट के मैप में एजुकेशन या हेल्थ डिपार्टमेंट जितने भी गवर्नमेंट्स के मैप बने वहाँ पे हमारी यूनियन काउंसिल का नाम भले नठियो इसलिए हमने अपनी लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी भले रखा हमारी एल की तारीख है तकशील अक्टूबर दो हज़ार सोलह है हमारी एलएसओ में कुल घरानों की तादाद इक्कीस है और अब तक मुन्जम घराने सत्रह सत्रह है यानी के अठहत्तर सैकड़ों घराने हमने तंजीमों की शिकल में मुनजम किए हैं और हाँ, हमारी एलएसओ में वी की तादाद आठ है और एल में मौजूदा सी की तादाद नवासी है और हमारी एल में घराने की सतह पर तरक्याती थी एम आई पी नवासी तंजीमात के बने हुए हैं और दही सतह के तरक्याती मनसूबे वीडीपी वो हमारी एल में आठ बने हुए हैं और यूनियन काउंसिल की सतह पर तरकिया थी मंसूबे डी पी एक एल में तंजीमात की बचत तंजीमात की जो सी ओज है उनकी बचत है हमारी तीन लाख नौ हजार आठ सौ चार सौ रुपए तीन लाख अट्ठानवे हजार चार सौ रुपए और एल की डीसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन भी नोटिफाइड करवाई गई जिनकी तारीख है 2 मार्च 2017 हमारी एल एस ओ में एग्जिटी बॉडी के जो मम्बरान हैं पंद्रह हैं और जनरल बॉडी के मम्बरान सत्ताईस हैं हमारी एल एस ओ के दो अकाउंट हैं जो लटन मोहम्मद खान अभी बैंक की ब्रांच में खुले हैं कम्युनिटी सरमायाकारी फंड की रकम जो हमें सी आई एफ का अकाउंट है जिसके जिसमें हमें चालीस लाख मिले हैं जिससे वो ज़ीरो से तेईस वाले लोगों को हम बग़ैर किसी सूद पे कर्जा देते हैं और हमारी एल एस सो का दूसरा जो अकाउंट है सब ग्रां सी आर पी और सी बी के मुआवजे और एल के दफ्तर कायम करने के लिए लैपटॉप फर्नीचर वगैरह की दी गई रकम आठ लाख बहत्तर हजार छह सौ तिरानवे है। और यूनियन काउंसिल में घरानों की तफसी बेलिहाल सक्सेस प्रोजेक्ट बंदी जीरो से जो ग्यारह वाले घराने है घरानों की तादाद तीन सौ पांच पांच है और बारह से अठारह में जो पावर्टी स्कोर में घरान आते हैं वो पंच सौ उनसठ है और उन्नीस से तेईस वाले पावर्टी स्कोर के घराने जो घराने हैं हमारी यूनियन काउंसिल में वो चार सौ छहत्तर है और चौबीस से सौ वाले जो घराने हैं वो 832 सौ बत्तीस हैं इसी तरह हमारी यूनियन काउंसिल के टोटल घराने जो इक्कीस सौ बहत्तर हैं और अब मैं आपको बताऊंगी हमारी जो एल एस ओ में मुन्नजम घरानों की दर्जा बंदी जो जीरो से ग्यारह में जो तीन सौ पांच घराने उनमें से मुन्म घरान हमने तीन सौ किए हैं यानी नाइनटी नाइन फीसद और जो हमारी एल एस ओ में पाँच सौ सैंतीस घराने मुनजम किए हैं हमने उन वो जो है उनकी जो है फ़ीसद नाइन्टी सिक्स फीसद हमने उनतीस किए हैं और चार सौ छहत्तर जो घराने हमारे यूनियन काउंसिल में उन्नीस से तेईस वाले स्कोर के वो चार सौ तिरसठ है यानी कि सत्तानवे परसेंटेज और आठ जो चौबीस से सौ वाले स्कोर घराने आठ सौ बत्तीस घराने आते हैं उसमें से हमने तीन सौ अट्ठानवे घराने मुनजिम किए हैं और जो टोटल हमारे इक्कीस सौ बहत्तर घरानों में से अब तक हमने सत्रह सौ घराने मुन्जिम हम कर चुके हैं यानी कि तंजीमात की शक्ल में ला चुके हैं उनको भले न्यू सठ्य के तहत की, की गई मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की तफसील एक तो सक्सेस प्रोग्राम की, तर, की, की तरफ से की गई सरगर्मियां हैं वाइस प्रोजेक्ट की तरफ से की गई सरगर्मियां हैं पाकिस्तान में खानद खानदानी मनसूबा बंदूक की सहूलतों के तेज़ फरहमी का प्रोग्राम देव पाक है और मलेरिया प्रोजेक्ट है हमारी यूनियन काउंसल में एलएसो में और, और पाकिस्तानी खुतिन को ख़ुदमुखतियारी के प्रोजेक्ट की तरफ से भी सरगर्मियाँ की गई हैं हमारी एल एस भले की तरफ़ से दी गई कर्जा जात की तफसील बेजरिया सी आई एफ़ सक्सेस की तरफ से वसूल फ़ंड जो हमें चौबीस लाख मिला था तारीख़ अर्जाए सी आई एफ बारह सेप्तम्बर दो हज़ार सत्रह को अब मैं आपको एल एस ओ की तरफ़ से दिए गए कर्ज़ा जात की तफसील बताऊँगी ज़रात के लिए एक घरने हमसे कर्जा लिया जिसने चौदह हज़ार लिए और माल मवेशी के लिए पाँच सौ पंद्रह घरानों ने हमसे कर्जा लिया उनजा हज़ार सात लाख उनवजा हज़ार हुए और कारोबार के लिए इकतीस घरानों ने हमसे कर्जा लिया जिनकी रकम बनती है चार चार लाख चौतालीस हज़ार और टोटल घराने जो है ना हमारे पाँच सौ बनते हैं जिन्होंने हमसे सीआईएफ लिया है जिनकी टोटल रकम बनती है एक करोड़ बीस लाख सत्तर हज़ार रुपये आमदनी पैदा करने वाली इमदाद की मंजूर शुदा रकम जिसको हम आईजीजी कहते हैं सो so, ग्यारह लाख चौरानवे हज़ार है जिसके लिए हम मैं बताती चलूँ आपको कि माल मवेशी के लिए सत्तर घरानों ने हमसे लिया है और कारोबार के लिए पच्चीस घरानों ने हमसे लिया है टोटल अब तक पचानवे हाउस होल्डर हमसे ये ग्यारह लाख चौरानवे हज़ार की रकम ले चुके हैं सीआईएफ से हासिल होने वाले नतज बैंक मालियाती इधारों तक खात की रसाई और शमूलियतनी ये जो सीआईएफ के पैसे जाते हैं खुद उस औरत के एन पे जाते हैं उनके पास मैसेज जाता है वो खुद बैंक में जाती है उनको बैंक का पता चलता है और गरीब खातन के खानदान की मालियती अमूर में शराकत दारी गुरबत की गरीब घरानों की आमदनी में इजाफा सी आई एफ बेत लोकल इधारा एल एसओ के एत का जरिया है और माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तक सौ चौबीस घरानों को दी गई है और वीडीपी डि, वी गाँव की सतह पे मुख्तलिफ तरक्याती मंसूब है हमारे यूनियन काउंसिल में सात हैं हुनरी तरबियत में एक सौ पच्चीस घरानों ने हम ट्रेनिंग ली है जो एप्लिक वर्क में अठारह हैं कार ड्राइविंग में पचास हैं हैंड एम्ब्रायडी में इकतीस है मशीन एम्ब्रायड्री में इकतीस और मोटरसाइकल रिपेयरिंग में पंद्रह घरानों ने अब तक ट्रेनिंग ले चुकी है प्रोजेक्ट के ये वो तस्वीर है जिनने हमसे आई और सीआईएफ लेके अपना जो कारोबार आमदनी बढ़ाने के लिए जो कारोबार शुरू किए हैं सर ये उनकी तस्वीर हैं मैं आपको दिखाती चलूँ अब दीघर प्रोजेक्ट के तहत की गई सरगर्मियां देवपाक प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में हमने सेहत की सहूलियत को घर घर तक पहुंचाया है खास तौर पे सर हाँ खास तौर पे वो इलाके जो सर आगे आए ज्ञान थी ना मेरे को तब तो से है बता प्रोवाइड में होने के ज्ञान हाँ ये। इस प्रोजेक्ट में हमने सेहत की सहुलियात को घर घर तक पहुंचाया है खास तौर पर वो इलाके अनकवर्ड हैं यानी जहाँ एल एच डब्ल्यू रसाई जिसकी रसाई नहीं है पंद्रह से उन साल की दो सौ अठतालीस शादीशुदा जोड़ों का इंदराज किया माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से 16 आगाही सेशन दिए गए 26 शादीशुदा जोड़ों जो खानदानी मनसूबा बंदी के लिए राजी हैं उनको मुख्तलिफ आर्जी वक्फों की सहूलियात मुहैया की गई और मलेरिया प्रोजेक्ट जी मलेरिया प्रोजेक्ट से बचाव से छाठ सेशन दिए गए हमला और दूध पिलाने वाली माओ को इकतीस मच्छरदानियाँ तकसीम की गई और पाकिस्तानी खातिन का प्रोजेक्ट दस सीआरपी को आमदनी बढ़ाने के लिए और अपना कारोबार चलाने के लिए सामान दिया गया और दस सीआरपी को आमदनी बढ़ाने के लिए सीड स्टॉक पांच हजार का सामान दिया गया ताकि वो अपने कारोबार चला सके एल एसओ में राबता कारी के जरिए की गई सरगर्मियां पीपीएचआई का एक प्रोजेक्ट है जिससे उनसठ महीनों के बच्चों को गजाई खुराक के लिए सेंटर भेजा गया और आगा खान यूनिवर्सिटी के के प्रोजेक्ट है एल ने राबता कारी के जरिए आगा खान सपोर्ट प्रोग्राम के तहत साठ पक्के लेट्रिन बनवाए और पंद्रह हैंडपम्प लिए गए लगाए हैं प्रोजेक्ट के एल हम एल सोने टी आर डी पी से रहा करके चार सौ छह घरानों को राशन मच्छरदानिया और और मेहसन किट दिलवाई गई ताकि मुतासिर होने वाले घरों की मरामत कर सकें एलेसओ अपनी मदद आप तहत की गई सरगर्मियाँ सी आर पी के ज़रिए बुनियादी हकूक़ के मतलब आगाही दी गई पाँच सौ शनाख्ती कार्ड बनवाए गए साठ निकाहानामे बनवाए गए अस्सी बेफारम बनवाए गए और दो सौ पचास अफराद के नाम वोटर लिस्ट में दाखिल करवाए गए पोलियो की मुहिम में हम एल एसो वालों ने हुकूमत की मदद की आबादगार शुगर मिल और ज़िले इंतज़ाम के ताउन से हमने अपनी एलेसओ में तेरह सौ पौधे लगाए करोना से बचाव के लिए की गई सरगर्मियां करोना से बचाव के लिए इक्यानवे आगाही सेशन दिए गए और 211 स्कूल बच्चों में मास्क तकसीम किए गए हुनरी तरबियत याफ़्ता खातिन से मास्क बनवा कर दिए गए गरीब घरानों को मास्क की तकसीम की गई और आरबी यूनि यूनिअर के ताउन से नौ सौ पंद्रह घरानों को साबुन और हारपिक की तकसीम किए गए एहसास प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की गई हम एल एसो वालों ने लोकल गवर्नमेंट की तरफ से रबत कारी के ज़रिए हमारे यूनियन काउंसिल के गरीब घरानों को किरोना के दिनों में तीन सौ घरानों को राशन फ्राहम किया गया हमारी मुस्तकबिल की रथाबंदी मनसूबा साजी सी आई एफ के जरिए तंजीम के हर गरीब घराने को माली वसाइल तक रसाई करवाना बाईस का बता रहे थे वो फिर स्लाइड वाले चलेगी बाईस पे किया काम या नहीं किया बाइस पे हमने काम किया वो हमारी सी आपको बताएगी अभी चलो ठीक है मकामी तनजीमान सी ओज़ वी ओज़ और एल एस ओ को रतकारी के ज़रिए मजबूत बनाना है ग़रीब घरानों को तनज़ीमों के ज़रिए मनजम करना है बच्चों की स्कूल में हाजिरी और दाखिला को यकीनी बनाया बनाना है और हिफाजती टिकाजात के निज़ाम को यूनियन काउंसल में पायदार और बुनियादों पर चलाना है अपनी यूनियन काउंसल को साफ़ रखना है सरकारी और गैर सरकारी इदारों तक रसाई में इजाफ़ा करना है और पीने का साफ Uh, साफ़ ज़हियर को मेफ़ूज़ रखना है। अब मैं गुज़ारिश करती हूँ अपनी सीआरपी को कि वो आपको वाइज़ प्रोजेक्ट में के जो चार कंपोनेंट है उनके बारे में आपको बताएं। अस्सलामुअलैकुम मेरा नाम लालिनी है। मैं आपको हमारे एल में वाइस प्रोजेक्ट के हवाले से बताऊंगी। वाइस जो है वो चार कंपोनेंट पे मुश्तम है डब्ल्यू से वाटर यानी सुधा पीने का साफ पानी आई से इम्यूनाइजेशन यानी हिफाजती जात और एस से सैनिटेशन कूड़ा क्रिकेट और इसे एजुकेशन यानी कि तालीम अब मैं आपको बताऊंगी हमारे एल में वाइस प्रोजेक्ट के आने से पहले की सूरत हाल हमारे जो लोग थे एलएसो के वो ज्यादातर यही समझते थे कि जो हैंडपम्प का पानी होता है नलकों का वो साफ होता है और वो समझते थे कि ये तो ज़मीन से पानी आता है इसमें कौन सी गंदगी होगी और वे यही पानी इस्तेमाल करते थे और हमारे जो इलाके हैं उसमें थोड़ी बहुत पेट की बीमारियां जो है वो बढ़ती ही गई क्योंकि हम जो नलकों का पानी है वो साफ समझते सा थे और हमारा जो और हमारे जो गांव है यूसी के वो बहुत कम थे जो सिर्फ अपने घरों और गलियों को साफ रखते थे बाकी पूरी यूसी मतलब ज्यादातर जो घर थे वो अपने घर को तो साफ रखते थे लेकिन अपना जो कूड़ा क्रिकेट था वो गलियों में फेंक देते थे वो बोलते थे कि हमारा घर साफ है तो सही बात है हमारा घर साफ है और ये ऐसा करते थे कि बहुत हमारी यूसी में ऐसे घराने थे जो जिस पे रिफ्यूजल होता था इसका हिफाजती टीकों का वो कहते थे कि हम अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं तो उनको बुखार हो जाता है वो रात भर रोते हैं तो वो क्या करते थे अगर गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आता भी था आता भी था तो वो अपने बच्चों को छुपा देते थे वो बोलते थे कि हमारे बच्चे रोते हैं तो इसलिए हम उनको टीके नहीं लगवाएंगे ये कतरे हम उनको क्यों पिलाएं पता नहीं किस बात का पिला ये कतरे पिलाते हैं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए और हमारे जो गांव के लोग थे वो अपने बच्चों को कम मतलब ज्यादा तादाद में नहीं बच्चों को स्कूल भेजते थे और जिनकी दाखला होती थी स्कूल में वो जो बच्चों के वालदेन थे वो अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे वो बोलते थे आप जा तो रहे स्कूल पढ़ेंगे उनको ये समझ नहीं थी कि हम अपने बच्चों को चेक करें कि वो पढ़ते भी हैं अच्छा पढ़ते हैं या नहीं वो ज्यादातर स्कूलों में जाके मीटिंग जो पेरेंट्स मीटिंग होती है वो अटेंड नहीं करते थे लेकिन जैसे ही हमारे यूसी में वाइस का क्याम हुआ वाइस का क्याम दो में हुआ और हमने आघाई सेशन हम सीआरपी और एन आर वालों ने मिलकर आघाई सेशनों के ज़रिए हमारे यूसी में लोगों को बताया कि जो हम नलकों का पानी साफ समझते हैं वो ज़्यादातर साफ़ नहीं होता हमने उनके बारे में आगाही सेशन दिया और एन एनरे, आर वालों से मिलकर उनकी मदद से हमने अपने नलके के चकास करवाए जिनमें से हमने 60 नलके का पानी चिकास करवाए जिसमें से 30 नलके जो थे उनका पानी बिल्कुल दुरुस्त आया यानी कि पीने के लिए साफ था साफ था और उनको हमने हरा रंग कर दिया और उनमें से जो सोलह तो नलके थे उनका पानी पीने के लिए साफ नहीं था तो उनपे हमने लाल रंग कर दिया और लोगों को यूसी वाले लोगों को ये सेशन के जरिए बताया कि जिन नलकों को हरा रंग किया गया है आप उनमें से पानी पी सकते हो यानी कि वो पीने के लिए साफ पानी है लेकिन वही अगर कोई नल का ऐसा भी था जिसको हमने लाल रंग कर दिया तो वो पीने के लिए दुरुस्त नहीं था और हम सारे जो यूसी के लोग हैं उनके जो घराने हैं वो हमने आगाई सेशन के जरिए 1340 घराने जो हैं वो साफ करवाए और 1340 घराने जो हैं वो अब तक साफ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और और हमारे 512 घराने जो है वो साफ पानी करके पी रहे हैं जैसे पानी को गर्म करके साफ किया जाता है वैसे वो तरीका इस्तेमाल करके साफ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने सेशनों के जरिए और हिफाजती टीके की जात हमने अः 1920 सौ घर अफराद जो हैं उनको सेशन के जरिए हिफाजती टीकों की जात के मुतालिक आगही सेशन दिया अब वो उन्नीस सौ घराने जो हैं वो हिफाजती टीके लगवा रहे हैं और 1020 जो बच्चे हैं वो भी जो अभी जिनका अभी पैदाइश हुआ है वो भी अपने हिफाजती टीके लगवा रहे हैं और पोलियो की महम में हम सी आर पी और एल एस ओ वाले मिलकर ये जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनके साथ मिलकर हर घर तक रसाई करते हैं और हर घर को पोलियो के कतरे जो बच्चे होते हैं जिनमें घरों में मौजूद होते हैं उनको पोलियो का पोलियो के कतरे पिलाते हैं और हमने पंद्रह से पैंतालीस उम्र की खातन जो हैं उनको भी टीटी वैक्सीन तक रसवाई करवाई है यानी हम उन वैक्सीनेटर के साथ सीआरपी हम सीआरपी और एलएसओ के लोग खुद मिलकर वहां पर गए हैं और उन औरतों को वैक्सीन करवाई है और कोला क्रिकेट के बारे में मैं आपको बताती चलू हमने जो है पचासी सेशन दिए पूरी यूसी में सारी सीआरपी ने मिलकर और उसके जरिए जो है हमने पहले अपने घर साफ किए फिर हमारी गलियां साफ की फिर हम एलएसओ वालों ने मिलकर और एनआरएसपी के मदद से हमने जो भी हमारे यहाँ खड्डे वगैरह थे वो भराई करवाए और हम जो और हम जो मतलब घराने हैं अब आप देखेंगे हमारे जो सौ घराने हैं वो बिल्कुल साफ है क्योंकि वो हमने सेशन दिए हमने पहले अपना घर साफ किया अपनी गलियां साफ की फिर हम सारे एल वालों ने मिलकर अपने पूरे यूसी को पूरी तो नहीं लेकिन तकरीबन 90 परसेंट जो हमारी यूसी है अब वो साफ है और हमने घरों में कच्ची किचरा कुंडियां बनवाई और हमने जो है जिनके जो पैसे में सही थे उन्होंने अपने लेटरिन बनवाए और जो बिल्कुल गरीब थे उन्होंने अपने कच्चे लेटरिन घर में बनाए अब वो जो बाथरूम काकुस वगैरह बाहर करते थे वो ऐसा नहीं होता क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था वो बोलते थे कि अगर कहीं भी कर दें तो कुछ नहीं होता फिर हमने उनको सेशन दिए हमने उनको बताया कि इनसे बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं जैसे बच्चे अक्सर तौर तो बीमार होते हैं और बड़े भी जो हैं वो ज्यादातर बीमार होते हैं हमारा माहौल भी खराब होता है अगर हम खराब माहौल में रहेंगे तो हम बीमार रहेंगे और हमने गाँव के सतह पर जो हमारे गांव है वो अब तकरीबन सड़सठ गांव जो है वो बिल्कुल साफ है और हमारे 206 घराने ने अपनी मदद तहत आप कच्ची किचरा कुंडिया अपने घरों में बनाई है और मैं तालीम के बारे में आपको बताती चलूं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हमारी यूसी में तालीम के बिल्कुल कम था उस पर रुझान तो हमने सतासी जो है वो सेशन दिए तालीम के मुतालिक हम सी और हम एल वालों ने मिलकर रैलियाँ निकाली जिसके ज़रिए हमने तालीम की अहमियत बताई अब माशाल्लाह से हमारी जो यूसी के सत्रह सौ इक्यानवे घराने हैं वो तालीम तक रसाई उनकी हुई है हमने सत्रह सौ इक्यानवे घरों को सेशन दिए हैं तालीम के और जिनमें से बारह सौ सोलह बच्चे जो हैं वो स्कूल में दाखिल भी करवाए हैं और चार स्कूलों में ज़रूरत के मुताबिक सहूलत मुहैया हमने करवाई है जैसे कि हम सी डी एम जैसे सी डी सी एम सी में से करते हैं मीटिंग करते हैं वो और हमारी जनरल सेक्रेटरी जो स्कूल हमारे बंद थे वो जी डी सी एम मीटिंग में जाकर डी सी साहब से बुलवा कर हमारे स्कूल भी खुलवाए हैं और स्कूल अभी जो हमारे स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी है उनमें से भी बच्चों की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए हमने वालदेन और टीचरों के साथ मिलकर और गांव वाले पूरे गांव और पूरी यूसी के गांव से मिलकर मीटिंगें भी की हैं अब माशाल्लाह से हमारे जो सत्तर परसेंट बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं और जो पहले रजान नहीं देते थे वालदेन बच्चों पर अब वो भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं अब मैं आपको बताऊं वाइस से हासिल होने वाले नतज हमें जो वाइस से हासिल हुआ है वो है हम अब जो यूसी के लोग हैं वो साफ च, चकास शुदा पानी तक रसाई हमारी हो रही है स्कूलों में बच्चों की दाखिला में इजाफा हो रहा है यूनियन काउंसिल के लोग बायदगी से अपने बच्चों को हिफाजती टीका जात लगवाते हैं लोगों के मजमुई रवैये में तब्दीली आई है घराना अब बायदगी से लेट्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वाइस इधारे साजी के मुताबिक मजबूती का जरिया भी बना है वाइस हमारे लिए और वाइस की वजह से मकामी और दीगर हुकूमती इधारों के साथ भी हमारा ताल्लुक मजबूत हुआ है अब मैं आपको बताऊ वाइस प्रोजेक्ट के हवाले से हमने जो दूसरे भी मीटिंग वगैरह की है वो मैं आपको बताऊ सेहत के ताउन से हमने की गई सरगर्मियां आपको बताती हूँ जो हमारे यूसी में बीएचयू थी उसमें हमने एलएसओ वालों ने और सीआरपी वालों ने मीटिंग की है और पोलियो का दिन वहां भी हम काम्बर ने खुद जाके शिरकत की है और एलएसओ मेंबरान की सफाई वाक में भी शिरकत हुई और एलएसओ मेम्बरान की पोलियो तरबियत में भी शिरकत हुई जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं और जो हमने पानी चकाश करवाया था वो जो के लेब होती है उससे और उसमें हमने जो पानी साफ था पीने के लिए उस नलकों को हरा रंग किया और लोगों को बताया कि ये पानी साफ़ है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जो साफ नहीं था उनको हमने लाल रंग किया और पूरे यूसी के लोगों को बताया कि जो uh, बायोलॉजिकली ख़राब है नलके उनको हमने रे uh, लाल रंग कर दिया है लेकिन कुछ इसमें नलके ऐसे हैं जिसका पानी हम साफ़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बायोलॉजिकली खराब है उसका पानी हम किसी भी तरीके से साफ़ करके इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो पीने के लायक ही नहीं है इसलिए वो हम बर्तन वगैरह धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए बिल्कुल नहीं अगर पिएंगे तो हमें पेट की बीमारियां चमड़े की बीमारियां ऐसी बीमारियां हो सकती हैं और हमारे बच्चे भी बीमार होंगे और हमें सफाई जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वॉइस प्रोग्राम के तहत एलएसओ और भले डिनो सट की तहत पर सफाई मोहम जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहले सफाई से पहले के हालात और सफाई के बाद के हालात और पहले तो ये होता था कि मर्द ये समझते थे कि जो सफाई है वो तो सिर्फ औरतों का काम है सिर्फ औरतें करेंगी सफाई हम क्यों करें हमारा ये काम नहीं है लेकिन जैसे ही वाइस प्रोग्राम के सेशन हुए वाइस प्रोग्राम का हमारे यूसी में क़्याम हुआ तो अब लोगों जो मर्द हजरा हैं उनको भी अपनी जो ज़िम्मेवारियाँ हैं उनका एहसास हुआ है और वो मिलकर सफाई में अपना हिस्सा किरदार अदा कर रहे हैं